एमएस वर्ड कोर्स के इस वीडियो में आज आप सीखेंगे किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं टेबल बॉर्डर का कलर, स्टाइल और विड्थ। स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल सिखा रहे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं एमएस वर्ड का कोर्स आपको पसंद आ रहा होगा। और इसी की तरह अगर आप एक्सेल, पीपीटी और डिजिटल और टेक्निकल 50 से ज्यादा कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से फ्री सीख सकते हो। और आने वाले कुछ सालों के अंदर कई 100 कोर्सेज आ रहे हैं तो दोस्तों चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कुछ मिस ना करें। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। चलिए दोस्तों अब आगे की बात कर लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक टेबल में बॉर्डर्स के साथ कैसे सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये टेबल डिजाइन से रिलेटेड, ये किसे अलग अलग डिजाइन होती है, कैसे कैसे उसमें कलर भर सकते हैं, कैसे उसमें हेडर रो और ये सब आप इजीली कर सकते हैं, इसके बारे में बताया था। अब ये पूरा का पूरा डेडिकेटेड होने वाला है लेक्चर आपका या फिर वीडियो आपके बॉर्डर से रिलेटेड। बॉर्डर से जितने भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं सबका आंसर दोस्तों यहीं पे मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक टेबल है, ठीक है, आपके पास एक टेबल है और उसमें आप बॉर्डर्स में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बॉर्डर में कुछ कलर या फिर कोई अलग स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? तो जो बाय डिफॉल्ट कलर होता है वो तो ब्लैक होता है दोस्तों, ये बात देखिए, ठीक है। अगर आपको बॉर्डर स्टाइल पे जाना है तो देखिए आपके सामने बहुत सारे बॉर्डर के थीम्स मिलेंगे, ठीक है, अलग अलग कलर के। और ये देखिए मैं यहाँ पे कोई भी एक अलग थीम ले लेता हूँ, ब्लैक ले लूंगा तो वो बेसिकली दिखेगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ डबल लाइन ताकि वो अलग से दिख जाए। आपको देखिए मैं डबल लाइन करके दिखाता हूँ और जहाँ जहाँ भी बॉर्डर में आपको वो चीज़ अप्लाई करनी होगी आप यहाँ से इजिली कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस सेल में अप्लाई करना है, मैं कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कर देता हूँ, करना चाहता हूँ तो मैं कर देता हूँ। ये अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा, तब आपको दिखेगा। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों अब ये ग्रीन में हो चुका है डबल लाइन में। देखिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैं आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, तो ये देखिए दोस्तों अब ये भी ऐसे ही कलर में हो चुका है। इसकी आप मोटाई भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थी कहानी आपकी बॉर्डर स्टाइल की। आपने रिसेंटली अगर कोई बॉर्डर इस्तेमाल कर रखे हैं तो वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैंने अभी ग्रीन इस्तेमाल किया है तो ग्रीन आ गया, अगर मैं तीसरा कोई लूंगा तो वो भी यहाँ पे एक अपियर हो जाएगा, ग्रीन वाला यहाँ चला जाएगा। एक ऑप्शन होता है दोस्तों यहाँ पे बॉर्डर सैंपल का, कि अगर आपका थोड़े उसके लिए मैं आपको पहले एक बॉर्डर एक जगह अप्लाई करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। फॉर एग्जाम्पल मानिए एक रेड बॉर्डर मैंने ले लिया है, ठीक है ना, यहाँ पे रिसेंट ऑप्शन में लिया है, लेकिन जब आप नया खोलेंगे तो रिसेंट ऑप्शन में आपको नहीं दिखाई देगा। यहाँ से मान लीजिए मैंने एक बॉर्डर का ले लिया, ठीक है ना, और मैंने इस बॉर्डर की हेल्प से मैंने यहाँ पे कुछ कलर्स कर दिए, ठीक है ना। तो ये मैंने एक बॉर्डर कराया, जानबूझ के मैंने ब्रॉड लिया है दोस्तों ताकि आपको दिखाई दे, क्योंकि मैं हर बार जूम इन नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि इससे मेरे को दिक्कत हो जाती है फिर। तो ये आपको दिख रहा होगा एक मोटा सा बॉर्डर करना है, मैंने लिख लिया। मैं चाहता हूँ इस बॉर्डर को मैं यहाँ पे भी अप्लाई करूँ, यहाँ पे भी अप्लाई करूँ, ऊपर नीचे हर जगह अप्लाई करूँ, तो क्या मैं बार बार जाके चुनूंगा? नहीं। उसके लिए दोस्तों आपको बॉर्डर स्टाइल में ही सबसे आखिरी में एक बॉर्डर सैंपल का ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए मैंने सैंपल उठा लिया, जब मैं इसके ऊपर ले जाके क्लिक करूंगा तो मैंने अब सैंपल उठा लिया। अभी सैंपल कहाँ अप्लाई करना है तो मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है मान लीजिए, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। मुझे मान लीजिए यहाँ पे अप्लाई करना है दोस्तों, मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया। मान लीजिए मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है, मैंने यहाँ पे अप्लाई करना है। ध्यान रहे आपको जितने डिस्टेंस में इसको स्क्रॉल करेंगे उतने डिस्टेंस तक ही ये अप्लाई होगा, ठीक है ना। मान लीजिए मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है तो मैं यहाँ तक अप्लाई करूंगा, तो ये मेरे ऊपर है कि ये बॉर्डर में आप कैसे बॉर्डर सैंपल उठा सकते हैं। तो एक एक जगह सैंपल उठा के दूसरी जगह भी कॉपी पेस्ट किया जाता है। ध्यान रहे जब तक आप स्केप बटन या फिर बॉर्डर पेंटर के ऊपर यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक ये आपका जाएगा नहीं, ठीक है ना। तो मैं अब करता हूँ अपने स्केप बटन को प्रेस, ठीक है ना, मैं स्केप बटन की जगह यहाँ पे भी प्रेस कर सकता था बॉर्डर पेंटर पे, ठीक है ना। तो आपको बॉर्डर स्टाइल में मैंने ये बता दिया कि डिफरेंट टाइप की थीम्स आपके पास होती हैं, आप वो थीम्स ले सकते हैं या फिर आप बॉर्डर सैंपल कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगले बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स की आपकी बॉर्डर की लाइंथ होती है। मान लीजिए यहाँ पे तो 3 लाइन का भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिया ना, मैं चाहूंगा तो यहाँ डॉटेड लाइन भी ले सकता हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पे ट्रिपल लाइन का भी ऑप्शन ले सकता हूँ, ठीक है ना। मैं भी आपको एक लाइन लेके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए डबल लाइन ले रहा हूँ और इसमें से एक डार्क है, एक ये है। तो देखिए दोस्तों ये अब लाइन कुछ ऐसे अपियर हो रही है, ये भी आपका कलर। तो मैं कलर अगर चेंज कर दूँ इसका, मैं इसका ना अब एक कलर लेता हूँ दोस्तों ब्लू, ताकि आपको इसमें बीच में डिफरेंस दिखे। चलिए मैं एक लाइन यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। आप कहोगे दोस्तों ये तो पूरा सड़ा दिया यार तुमने, बॉर्डर कहाँ अप्लाई कर रहे हो? दोस्तों मैं आपको यहाँ पे फीचर बता रहा हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है ना, डिफरेंट फीचर्स मैं आपको बता रहा हूँ।
तो यहाँ से दोस्तों आप बॉर्डर का डिफरेंट टाइम्स ले सकते हैं। मैंने जानबूझ के बहुत ज्यादा मतलब मोटा बॉर्डर लिया है। अगर आपको यहाँ पे आपने एक बार यहाँ पे स्टाइल सेलेक्ट कर लिया, आप डॉटेड बॉर्डर भी ले सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखें। मान लीजिए मैंने यहाँ पे डॉटेड बॉर्डर लिया, देखिए दोस्तों आप डॉटेड बॉर्डर भी ले सकते हैं। थोड़ा जूम कर देता हूँ क्योंकि कई लोगों को दिख नहीं पा रहा होगा ना, लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जिसमें बड़ी समस्या हो जाती है देखने में। तो ये देखिए यहाँ पे डॉटेड बॉर्डर भी हो चुका है, ठीक है ना। अब अगली बात करते हैं यहाँ पे बेसिकली कि बॉर्डर्स की मोटाई कैसे आप चेंज कर सकते हैं। तो ये ऊपर तो बॉर्डर का डिजाइन होता है, ठीक है ना। बॉर्डर के डिजाइन के जस्ट नीचे आपका बेसिकली ये देखिए, जब बॉर्डर का डिजाइन है या फिर पेन स्टाइल से बोलते हैं, उसके नीचे यहाँ पे आपकी थिकनेस आती है। देखिए यहाँ पे आप 1.5 की ले सकते हैं, ठीक है ना। 1.5 का मैंने देखिए साइज ले लिया, और मुझे और भी कम करना है तो देखो यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन मेरे को मिलते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे बकायदा वो सारे के सारे ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे थिक बॉर्डर लिया है, अगर मैं थिन बॉर्डर लूंगा बेसिकली तो इसमें मेरे को और भी देखिए, अब ये मुझे 1/4 का भी ऑप्शन मिल रहा है, यानी 0.25 का भी मिल रहा है। तो देखिए अब ये देखिए कितना पतला बॉर्डर है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा बॉर्डर यहाँ पे ले सकते हैं। अब आप लोगों में से कई लोगों में सवाल आ रहा होगा, गुरु जी मुझे पूरी टेबल पे बॉर्डर अप्लाई करना है, तो क्या मैं ऐसे हर जगह अप्लाई कर पूंगा। मैं कहूंगा नहीं यार, थोड़ा रुको, सबर करो। अभी तो मैं आपको ABCD करना सिखाऊंगा ना, पहले पढ़ना सिखाऊंगा, उसके बाद वर्ड पे लेके जाऊंगा। अगर पहले ही मैं आपको बिना ABCD सिखाए वर्ड सिखा दिया, मैंने दे दिया पढ़ने को, तो आप तो फैल जाओगे। तो थोड़ा आराम करिए, आपको एक से लेके 0 से लेके 100 तक मैं पूरी नॉलेज दूंगा, ठीक है ना। तो अब चलिए, मैंने आपको क्या क्या बता दिया दोस्तों, आपको बॉर्डर कैसे स्टाइल बॉर्डर आप चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर का स्टाइल कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, बॉर्डर का सैंपल कैसे ले सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा मैंने बताया कि अगर आपको बॉर्डर में भी डिफरेंट टाइप्स के बॉर्डर चाहिए, माइक सिंगल लाइन, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन, जैसे भी थिक में चाहिए, थिन में चाहिए, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं पेन स्टाइल में जाके, ठीक है ना। दूसरा मैंने आपको बताया कि यहाँ से जाके आप थिकनेस उसकी आप बदल सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं अगला ऑप्शन आपको बताता हूँ, आपको कलर। अगर आपको कलर बदलना है किसी बॉर्डर का, तो आप नीचे से कलर बदल सकते हैं। नीचे स्टैंडर्ड कलर्स कुछ दे रखे हैं, अगर उसमें से आपको कुछ पसंद आता है तो आप करें, वरना आपको कोई अलग ही कलर चाहिए तो भैया यहाँ पे मोर कलर का ऑप्शन है, यहाँ पे जाइएगा। और यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड और कस्टम दो तरीके के आते हैं। कस्टम में आप बेसिकली स्क्रॉल करिए, जो भी आपको कलर बढ़िया लग रहा है वहाँ पे न्यू कलर आपको यहाँ पे दिखा देगा, और करंट कौन सा है ये भी दिखा देगा, और ओके कर दीजिएगा, आपका कलर हो जाएगा। वरना स्टैंडर्ड में जाके भी आप यहाँ से दोस्तों सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा के अनुसार होगा, ठीक है। अब आ गया पेन, अब मैं अगला बताऊंगा बॉर्डर टाइप। तो ये बताने के लिए पहले मैं यहाँ पे पूरे के सारे इस में नॉर्मल करता हूँ पहले। तो नॉर्मल करने के लिए मैं प्लेन टेबल पे जाऊंगा दोस्तों, यहाँ पे डिजाइन में, एक सेकंड रुकिएगा जरा। दोस्तों अब देखिए मैं प्लेन टेबल पे जा रहा हूँ। हाँ, अब प्लेन टेबल पे, पहले इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि ये बॉर्डर पेंटर ऑन था मेरा, इसलिए दिक्कत आ रही थी, ठीक है ना। तो मैंने अब इसे टेबल को प्लेन कर दिया। अब मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, आपको बॉर्डर दिखाने के लिए मुझे जूम इन करना पड़ा था ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। अब मान लीजिए मुझे बॉर्डर्स में अप्लाई करना है कोई भी, जैसे कि मेरे मान लीजिए मैंने कोई भी एक इस समय बॉर्डर स्टाइल ले रखा है। इस समय बॉर्डर स्टाइल मेरा कौन सा है दोस्तों, ये, ठीक है ना, ये डबल स्टाइल है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। और मैंने जानबूझ के एक ब्रॉड लिया है, एक बॉर्डर की चौड़ाई मैंने जानबूझ के चौड़ी ली है ताकि आप लोगों को दिखे, क्योंकि यहाँ पे पतले बॉर्डर तो मैं ले लूंगा लेकिन फिर आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा स्क्रीन पे, ठीक है ना दोस्तों। तो आप ये मत कहिएगा कि बेकार लग रहा है, बेकार लग रहा है इसलिए क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब देखिए बॉर्डर्स पे जाएंगे तो देखिए आपको अगर बॉर्डर चाहिए ही नहीं, बॉटम बॉर्डर चाहिए, जैसे कि अभी मान लीजिए मैंने पूरा का पूरा टेबल ही सेलेक्ट कर लिया, मैंने पूरा टेबल ही दोस्तों अब सेलेक्ट कर रखा है, अब मुझे यहाँ पे बॉटम में चाहिए बॉर्डर पूरे टेबल के। तो देखिए पूरे टेबल, अब जो भी चीज मैं अप्लाई करूंगा ना, या तो मैं एक सेल पे अप्लाई कर सकता हूँ, या तो मैं पूरे के पूरे बॉर्डर पे, या तो एक कॉलम पे, ठीक है ना। बस करना क्या होगा, अभी देखिए जब मैंने पूरे के पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लिया है, बेसिकली जब मैंने पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली है, उसके बाद मैं यहाँ पे बॉर्डर पे आता हूँ, तो देखिए टॉप बॉर्डर करूंगा तो देखिए पूरे के पूरे टॉप में एक बॉर्डर आ रहा है, साइड में आ रहा है, राइट में आ रहा है, नो बॉर्डर, बिना बॉर्डर के ही चीजें आ रही हैं। लेकिन अगर यही चीज मैं एक सेल में जाके करूंगा ना दोस्तों, देखिए एक सेल को सेलेक्ट कर रखा है, और इसमें जब बॉर्डर पे जाऊंगा टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, देख रहे हैं आप, एक सेल में अप्लाई होगा। तो अब मैं यहाँ से बता रहा हूँ वो जो चीज आप जानना चाह रहे थे कि गुरु जी मुझे पूरे के पूरे टेबल पे बॉर्डर अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। कुछ नहीं, उसका तरीका यही है कि पूरे बॉर्डर को सिलेक्ट कर लीजिए ऐसे करके, उसके बाद यहाँ बॉर्डर पे जाइए, यहाँ पे देखिए टॉप में बॉर्डर लगाइए, बॉटम में लगाइए, लेफ्ट में लगाइए, राइट में लगाइए, बॉर्डर हटाइए, या फिर आपको सारे बॉर्डर लगाना है तो ऐसे लगाइए। और हाँ, जो स्टाइल आप सेलेक्ट करके रखेंगे वो स्टाइल आपको दिखेगा। मान लीजिए अगर आपको बॉर्डर स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ बॉर्डर स्टाइल में जाइए, आप यहाँ से कोई तीसरा स्टाइल आप ले लीजिए, मान लीजिए आप ये स्टाइल ले लीजिए, ठीक है ना।
अब बॉर्डर में जाइए और ऑल बॉर्डर पर कर दीजिए। अब देखिए बॉर्डर पूरे पूरे चेंज हो गया आपका। तो ये कितना आसान है दोस्तों बॉर्डर पूरे चेंज करना। अगर पूरे बॉर्डर पे आप कोई चेंजेस अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से बड़े आसान से कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको आउटलाइन बॉर्डर चाहिए, खाली आउटसाइड बॉर्डर हटाने हैं बाकी सारे रहने देने चाहते हैं, तो आप ऐसे करिए। इनसाइड बॉर्डर है देखिए दोस्तों, आउटर सेल में बस एक एक लाइन दिखाई देगी, अंदर कुछ नहीं होगा। देखिए ऐसे कुछ भी बॉर्डर आप दे सकते हैं जिसमें इनसाइड हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं, फिर उसके बाद इनसाइड वर्टिकल लाइंस भी हैं जिसमें वर्टिकल लाइंस गायब हो जाएंगी और हॉरिजेंटल लाइन दिखेंगी, और एक देखिए वर्टिकल में हॉरिजेंटल नहीं दिखेंगी, मतलब वर्टिकल में वर्टिकल नहीं दिखेंगी। अब ये देखिए दोस्तों, एक डायगोनल टाइप बॉर्डर भी आपको मिलता है जिसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या डिजाइनिंग पर्पज के लिए आप इस्तेमाल करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए डायगोनल अप और डायगोनल डाउन में भी ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो ये कहाँ अप्लाई होते हैं? ये बेसिकली अप्लाई वहाँ पे होते हैं दोस्तों जहाँ आपकी रिक्वायरमेंट होती है। अब आपकी रिक्वायरमेंट हर जगह अलग अलग होती है, कई जगह आप डिजाइनिंग के पर्पज से देते हो, कई जगह आप किसी को समझाने के पर्पज से देते हो, तो सबका काम अलग अलग है, एक काम में इसको नहीं बांधा जा सकता, ठीक है ना। ड्रॉ टेबल मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप टेबल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो देखिए बेसिकली आपको इतना चाहिए, देखिए मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, देखिए आपको एक जगह पे पर्टिकुलर अप्लाई करना है तो देखिए यहाँ पे आप पर्टिकुलर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन तो मैंने आपको बता ही दिया था, इसीलिए मैं इसमें जाऊंगा नहीं। मैं अभी इसके बटन को प्रेस करता हूँ और ये बॉर्डर सेलेक्ट ही है, मैं इसमें जाता हूँ टेबल डिजाइन में। टेबल डिजाइन में मैं आपको बाकी चीजें भी बता दूंगा। अच्छा हाँ, एक आखिरी में ऑप्शन है दोस्तों बॉर्डर एंड शेडिंग का। ये क्या चीज है? एक साथ अगर पूरे टेबल पे आप कोई चीज अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ से होगा। वैसे तो मैंने आपको करके दिखाई दिया, मैंने सेलेक्ट करके करके दिखाया है। अगर आपको सेलेक्ट करना नहीं है बाकी आप यहाँ से करना चाहते हैं तो भी यहाँ से हो सकता है। जैसे कि आपको कोई बॉक्स चाहिए, मतलब आउटर बॉक्स चाहिए टेबल पे, तो यहाँ पे देखिए उसका प्रीव्यू आपको दिखेगा। तो जो जो भी चेंजेस आप कर रहे हैं यहाँ से आप कर सकते हैं। आपको जितनी भी सेटिंग्स है ना बॉर्डर से रिलेटेड, सारी की सारी सेटिंग यहाँ पे दिख जाएंगी। यहाँ से आप विड्थ को भी मैनेज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है ना। यहाँ से आप विड्थ को कम ज्यादा या कुछ भी कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे कलर भी आप दूसरा अप्लाई कर सकते हैं चाहेंगे तो, आपकी इच्छा के अनुसार है। फिर उसके बाद अगर आप यहां से चाहेंगे कि पूरे बॉर्डर पे अप्लाई हो तो वो भी अप्लाई होगी, अगर आप चाहेंगे पूरे बॉर्डर पे अप्लाई ना हो तो ऐसा भी आपको दिख जाएगा। देखिए आपने इस पर क्लिक करा, देखिए अपर साइड हट गया, इस पर क्लिक करा तो देखिए बीच का हट गया, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा देखिए नीचे का भी हट गया, अब मैं इस पर क्लिक करा तो लेफ्ट साइड भी हट गया, ये देखिए अब राइट भी हट गया और ये लेफ्ट राइट दोनों हट गए। और मैं सबको ऑन कर देता हूँ तो देखिए एक एक करके सारे आ जाएंगे। अब कुछ इस तरीके से चार्जर काम करती हैं। आप चाहें तो किसी टेबल पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी पैराग्राफ पे अप्लाई कर सकते हैं, हालांकि इसकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, तो इसमें ज्यादा मैं अंदर जाऊंगा भी नहीं। ओके करिए। देखिए दोस्तों अब पूरा का पूरा बॉर्डर रेड कलर का बॉर्डर हो चुका है जो मैंने वहां से अप्लाई करा था। तो आप एक सिंगल प्लेस से भी पूरे के पूरे बॉर्डर को मैनेज कर सकते हैं। बस मेरा कहने का मतलब यही था। यहाँ पे आपको बॉर्डर में भी मैंने आपको सारे की सारी चीजें बता दी। अब एक बॉर्डर पेंटर का ऑप्शन आखिरी में है, वैसे ही बता ही चुका हूँ लेकिन चलिए फिर भी बता देता हूँ। बॉर्डर पेंटर क्या होता है? यही जो पहले हम बता रहे थे वही है। आपको कोई बॉर्डर को पेंट करना है, कोई अलग कलर में करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए अपर बॉर्डर को मुझे पेंट करना है तो मैं कर देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे करना है मैंने कर दिया, यहाँ पे करना है तो ये भी मैं कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको आखिरी में करके दिखाता हूँ। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नीला हो चुका है, देखिए यहाँ पे नीला हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल मैं बॉर्डर पे अगर टेबल पे सेलेक्ट करूँ तो आप देख सकते हैं कि पेन कलर नीला था अभी, ठीक है ना, पहले लाल था फिर नीला था। तो अब चलिए नीले कलर दिखाते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे नीला कलर हो चुका है। मैं चाहूंगा तो इसको बोल्ड करके भी दिखा दूंगा पर उसका कोई मतलब नहीं है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अब नीला कलर आपको दिख रहा होगा बॉर्डर में। कुछ इस तरीके से बॉर्डर में आप डिफरेंट टाइप्स की सेटिंग कर सकते हैं, बॉर्डर्स को एक अच्छे से तरीके से लुक दे सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं समाप्त, और आपको मैंने सारी की सारी चीजें जो बॉर्डर से रिलेटेड हो सकती है इस वीडियो में बता दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज या डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग हमसे लेनी है तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundus.com पर जा सकते हैं या हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट और यूजफुल लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।